इसके लिए। कह रही है मुझे ब्लॉक करने दो। Where are we? We have come here to taste the food Why? before we Hi guys, welcome back to my channel. आज का व्लॉग होने वाला है एक स्पेशल व्लॉग, क्योंकि आश्वी का बर्थडे है 13th ऑफ अप्रैल को, एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम एक पार्टी थ्रो करेंगे 16th ऑफ अप्रैल को, विच इज अपेरेंटली अ सैटरडे, ताकि सब आ पाए। एंड वी आर फाइनलाइजिंग ऑन प्लेसेस। तो अभी हम ये हमने एक बैंक्वेट हॉल पसंद किया है, इसके नीचे है ग्राउंड फ्लोर में, और आज हम यहाँ पे आए फूड टेस्टिंग के लिए, ताकि जो है फूड अच्छा टेस्ट है ये हम सेटिस्फाइड हो जाए बिफोर बुकिंग द प्लेस। सो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी कैसे क्या कहाँ कहाँ गए। इफ यू आर प्लानिंग टू बुक योर स्पेस फॉर बेबीज बर्थडे और एनी स्मॉल इवेंट, आई विल टेल यू एवरीथिंग, बट लेट्स टेस्ट द फूड फर्स्ट। हमने अभी यहाँ पे पनीर टिक्का मंगवाया एंड स्प्रिंग रोल मंगवाया ना। ठीक है, लेट्स ईट। सो गाइस, डेफिनेटली अभी तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती जगह, बट जब हमारा इवेंट हो जाएगा तब मैं डिस्क्लोज करूंगी। अभी मैं पनीर टिक्का ट्राई कर रही हूँ विद हरी चटनी। नाइस ना, आई थिंक विल बी रिलैक्स नाउ कि पार्टी में खाना अच्छा होने वाला है ना। पनीर टिक्का भी जरूर रखेंगे, इट्स अमेजिंग। स्प्रिंग रोल भी अच्छा है, दिस इज आल्सो गुड। जब हम स्प्रिंग रोल खाते हैं उसका टेस्ट स्प्रिंग रोल जैसा होता नहीं है। एक्चुअली स्प्रिंग रोल वाला टेस्ट। फूड इज वेरी नाइस एंड हम अब बुकिंग कर रहे हैं फाइनल, एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैं आपको जगह नहीं बता सकती, बट दिस इज द रेस्टोरेंट एंड नीचे एक बैंक्वेट हॉल है, विच इज आई थिंक वेरी गुड फॉर 50 पीपल ना, आराम से 50 लोग तो आराम से आ जाएंगे। सो 50 नहीं स्पेस चाहिए था, हाँ मैं इतने स्पेस चाहिए, बिकॉज वी डोंट हैव अराउंड 30 गेस्ट, मे बी नॉट श्योर, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द फूड। चलो पेमेंट करके बुकिंग कर देते हैं। ये वो जगह है गाइज, वहाँ पे थोड़ा नीचे जाके कोको को बरी किया हुआ है, पता नहीं, आई एम होपिंग कि वो कोको ही वहाँ पे बरीड है। वी नेवर गॉट टू नो फ्रॉम एनी वन, बस उसका ज़मीन के बाहर थोड़ा पूंछ था तो लगा कि कोको ही है। प्लीज़ इस जगह को देख के आप लोग प्रे करना कि मेरा कोको जहाँ भी हो खुश रहे और जल्दी से हमारे पास वापस आ जाए। तो वॉक पे चलो, वॉक पे चलो कोको मेलन, वॉक घूमी जाना है, घूमी घूमी जाना है। शू चलो आ, शू चलो, चलो चलो चलो, क्या बोल के हंस रही थी, सो गाइज एज वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो बेबी, टूडे आई एम गोना शेयर अ बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट दैट आई यूज फॉर आश्वी एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद इट। इट्स द मामा अर्थ मिल्की सॉफ्ट बॉडी वॉश फॉर बेबीज। इससे पहले मैं उसके लिए मिल्की सॉफ्ट वाला सोप यूज किया करती थी, बिकॉज यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी अपने बच्चे के स्किन में लगा रहे हो कुछ, यू शुड बी श्योर दैट इट्स फ्री फ्रॉम एनी टॉक्सिन्स, पैराबिन और एनी हार्मफुल केमिकल्स, बिकॉज बेबी स्किन आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हो। ले सकते हो क्या? मेरे को नहीं लगता कोई मदर भी एक चांस लेना चाहेगी। आपके पास ये यू नो एक रीजन भी नहीं होना चाहिए पूछने के लिए कि क्या ये प्रोडक्ट्स मेरी बेबी की स्किन के लिए सेफ है। नो मदर वुड लाइक टू टेक अ चांस ऑन दैट, आई वुड नॉट। तो इसीलिए मैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आशवी के ऊपर यूज करती हूँ ना। इट्स अ वेरी जेंटल बॉडी वॉश फॉर बेबीज, ये टियर फ्री फॉर्मूला है बिल्कुल भी, तो आंखों में भी चला जाए तो आशवी रोती नहीं है बिल्कुल, शी इंजॉयज हर बाथ एवरी सिंगल डे। सेकेंडली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगी कि ये इतना ज्यादा मिल्की मिल्की सा बॉडी वॉश है, उसको मैं बॉडी में लगाती हूँ ऐसे लगता है कि मैं उसको दूध से नहला रही हूँ। इट्स सच अ जेंटल बॉडी वॉश फॉर आश्वी एंड इट रियली नरिशेज हर स्किन। आश्वी की जो स्किन है वो काफी क्लीन बिल्कुल क्लीन हो जाती है, बिल्कुल नरिश रहती है। इसको जब मैं आश्वी पे यूज करती हूँ ना डेली, मुझे लिटरली ये लगता है कि या मैं दिल से सेटिस्फाइड रहती हूँ एज अ मदर।
दैट हाँ मेरी बच्ची एक अच्छे बॉडी वॉश से नहा रही है. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो बोलते हैं हम टॉक्सिन फ्री है, बट क्या आप वो चांस लेने को तैयार हो? एज अ मदर मैं वो चांस लेने को तैयार नहीं हूँ. आई ट्रस्ट मामाअर्थ प्रोडक्ट्स, मैं अपने लिए भी यूज करती हूँ, आश्वी के लिए भी यूज करती हूँ. देयर प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्युटली सेफ, फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल्स. इट आर सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स. मिल्की सॉफ्ट बॉडी वॉश फॉर बेबीज इज पीएच बैलेंस. सो पीएच बैलेंस आपकी बेबी का स्किन का बिल्कुल मेंटेन रहेगा. बहुत नरिशिंग इसका फॉर्मूला है, साथ ही साथ ये मेड सेफ सर्टिफाइड है. तो हर माया से आंख बंद करके रिलैक्स कर सकती है कि मेरी बेबी के स्किन पर जो चीज़ लग रही है ना बिल्कुल अच्छी चीज़ लग रही है. साथ ही साथ यू नो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं. इससे नहाने के बाद आश्वी की स्किन बिल्कुल सॉफ्ट सपल रहती है. कभी मैंने ड्राई होते हुए नहीं देखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि आश्वी नहाने के बाद उसकी स्किन ड्राई हो रही है. सो वेरी गुड बॉडी वॉश, सो डेफिनेटली ट्राई दिस दिस समर. थोड़ा सा और बता दूं तो इसमें है ओट्स मिल्क और कैलेंडुला. ओट्स जो होती है उसमें बेबी की स्किन को सूथ करने की प्रॉपर्टीज होती है, तो बेबी का स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ रहता है, हाइड्रेटेड रहता है. मिल्क की वजह से स्किन का जो हाइड्रेशन है, जो मॉइस्चराइजेशन है बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, तो आपकी बेबी की स्किन बिल्कुल सॉफ्ट सपल रहती है. और यू नो एलर्जिक रैशेज जो होते हैं बेबीज के उसको भी रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है. कैलेंडुला में विटामिन ई होता है, अमीनो एसिड्स होता है, जो ऑल्सो हैज एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. सिट्रिक एसिड आपकी बेबी के स्किन को डीपली क्लीन कर देता है, एकदम साफ कर देता है. बट जो पीएच बैलेंस होता है ना स्किन का उसको भी मेंटेन रहता है. तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं आपके बच्चे के स्किन के लिए. ना आपको क्या लेना है, कॉइन साइज प्रोडक्ट लेना है, अपने हाथों में बेबी के स्किन में आराम से मसाज करो एंड लैदर होगा प्रोडक्ट, and then just पानी से आप अपने बेबी को नहला दो. That's it. मेरा अपना whenever you buy anything from Mamaearth, they link your order on the website 2 or 3 that they plant, and they are by 2025 they aiming to plant 1 million trees. Amazing initiative. Being a nature lover, I just love this initiative. I also have a coupon code with them which is GHOST2022. You can use it on Mamaearth.in or the Mamaearth app which is available on Android and iOS both. So yeah, that is all about it. तो जरूर जाके चेकआउट करिए, नीचे सारे प्रोडक्ट्स का लिंक है, नीचे प्रोडक्ट का लिंक है, मेरा कूपन कोड आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट दिलाएगा. मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ये मेरे पीजी फैम के लिए है. मामाअर्थ के सारे बेबी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे और फर्स्ट क्राई पे. सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक देम आउट इन द व्लॉग. मैंने सोचा थोड़ा सा, इतने सारी मदर्स मेरा व्लॉग देखती हैं, सो आप लोग पूछते रहते हो तो मैंने बता दिया. सो या लेट्स गो ऑन विद द व्लॉग. अपना फेस धो लिया है, मैं थोड़ा मेकअप कर रही थी, लाइक आई वॉज प्रैक्टिसिंग मेकअप, बट अब मैं जा रही हूँ, इसको बाहर रख दूंगी ताकि धूप में ये सूख जाए. और बहुत रेगुलरली आपको अपने ब्रशेस धोने चाहिए, अदरवाइज जो पिंपल्स वगैरह होती है ना वो जाता है. तो कपड़े भी गीले हो गए, मैं फटाफट जाकर इसको धूप में रख के आती हूँ. आश्वी के बर्थडे का ड्रेस हमने ऑर्डर कर दिया फर्स्ट क्राई से, और अब हम आश्वी का क्या करेंगे. मैंने अपने लिए एक साड़ी मंगवा ली है रेडीमेड, तो आई होप कि वो साड़ी अच्छी आए. मैंने आश्वी के ड्रेस से मैचिंग करके ही लिया है कलर. एंड दूसरा मैंने एक और साड़ी लिया था, लेट मी शो यू गाइस. वैसे तो मेरा ये साड़ी भी पहनने का बहुत मन था क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, और ये हमने एक बुटीक से लिया था. वैसे दिख नहीं रहा है जितना, उससे ज़्यादा सुंदर है, बट इट्स 5000 का साड़ी. अभी जो मैंने लिया है वो 3200 का साड़ी है, बट दैट इज 5000 का साड़ी. एक और, अरे यार मामा मैं व्लॉग कर रही थी, आपने लाइट ही ऑफ कर दी. कल मेरे पापा आ रहे हैं, मम्मी बहुत खुश है, बहुत दिन बाद पापा से मिलने की, और जो उस खुशी में मम्मी ने अपने बाल भी काले करवाए. मेरी गलत फहमिया नहीं है, तुम साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकार. सफेद बालों में भी अच्छी लगती हूँ. नहीं, काले में थोड़ा ज्यादा ही अच्छी लगती है. ये भी उसकी है. घुंटू का है, घुंटू ये भाई अभी से मैं पापा वॉगिंग करेगी है. मैं पापा वॉगिंग वॉगिंग ट्राइपॉड लेके मैं करूंगी वॉगिंग, है ना बाबा? वॉगिंग होने स्टार्ट हो जाएगा.
आश्वी के सारे कपड़े ना ऐसे ड्रॉर्स में है अलमीरा में, सो ये क्लिप लाई थी मैं उसके लिए, ये लाई थी सारे कपड़े मैं उसके फर्स्ट क्राई से लेती हूँ मोस्टली, ये क्लिप्स लाई थी, देन चोटी बनाने के लिए रबर बैंड्स, एंड दिस इज़ द होल बास्केट ऑफ हेड बैंड्स, लाइक हर कलर का होगा यहाँ पे, एंड एक्सक्लूसिव भी एक कलेक्शन है मम्मी, वो क्या हमारा जो कलेक्शन है एक्सक्लूसिव वाला आश्वी के हेड बैंड्स का, आई थिंक वो मैं उसके एक्सक्लूसिव हेड बैंड्स का कलेक्शन है जो कि मैंने लिटरली एक स्टोर से ऑर्डर देके बनवाई है, जो उसके मतलब मैंने फोटोशूट करवाई थी तो उसमें हमने ये देखी थी काफ़ी अच्छे अच्छे हेडबैंड्स, फिर मैंने एक स्टोर से लिटरली ये 1700-1800 रुपए की 5 हेडबैंड्स आई थी मैंने बनवाई थी, लिटरली 300, 350, 400 के एक एक हेडबैंड्स थे, बट दीज आर सो वर्थ इट, ये फोटोशूट वगैरह में यूज़ होते हैं ना उस तरह के हेडबैंड्स लाइक बहुत ही सुंदर सुंदर, एंड देख रहे हो, सो ये कुछ हेडबैंड्स है गाइस, मैंने जो पसंद किया है क्या गाइस, बाकी हमारा जो बैंकवेट हॉल है वो फाइनल हो गया, हमने पेमेंट कर दी आज 25% एडवांस और हमारा बैंकवेट हॉल फाइनल हो चुका है आशवी के बर्थडे के लिए, आई एम सो हैप्पी, लाइक आशवी जब जन्म हुआ था आशवी का कोविड था, हम उसकी छट्टी नहीं कर पाए सर, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था, देन हम उसकी 6 मंथ्स की मुजुट्ठी नहीं कर पाए थे बिकॉज हमारे पास इतने लोग नहीं थे उस टाइम बुलाने के लिए, बट हम बर्थडे बैंकवेट हॉल में सेलिब्रेट करेंगे पूरा अच्छे से बहुत ही, अब तक प्लान ये भगवान करे अब कोई नया वेरियंट ना आ जाए बस, माई प्रिंसेस इट्स योर फर्स्ट बर्थडे, ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग, इफ यू वांट टू सी मोर कि अब आशवी का बर्थडे के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं प्रिपरेशंस, कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाँ भाग रहे हो आशु, अरे यार एकदम आजकल इसने कॉट में सोना छोड़ दिया है गाइज, अबे मैडम सिर्फ यहीं पे सोती हैं बेड में हमारे बीच, और फिर एच बन जाती है ना राज तुम्हारा और मेरे बीच ऐसे, मैडम पटर पटर कहाँ गाड़ी चला रहे थे, पेट तो बिल्कुल फुला हुआ, पूरा पराठे खा लिए ना अपने पनीर वाले, पनीर पापास कल चिपक देखो कितना स्कूटर चलाएगी बेटा, बोली पापा आप तो कार चलाते हो मुझे तो स्कूटर चलाने दो।